हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, मैं डिंपल कटारिया आज यहाँ पर आपको 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्य पत्रक करा रही हूँ, जो आपको 7 जुलाई 2021 को मिलना है। ठीक है, अब इस कार्य पत्रक में बच्चों हम 20 गणितीय सर्वसमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में बहुपद के शून्यक के बारे में भी समझेंगे। तो 20 गणितीय सर्वसमिकाएँ क्या होती हैं? सर्वसमिकाएँ इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनका मान हर जगह वैलिड होता है, यानी कि जो हर जगह पर लागू हो सकते हैं। अब वो कौन कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ पर सर्वसमिका नंबर 1, इसमें आपके पास दो संख्याएँ आपने ली हुई है, एक तो ए और एक बी, और ए प्लस बी यानी कि ए और बी को जोड़कर फिर आपने उसका वर्ग किया हुआ है। तो बच्चों जब भी वर्ग करते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिए हमेशा दो लिखते हैं। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर, और उसके लिए आप दो लिखेंगे, और दो लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है ये दो बार आ रही है, तो हम इसका यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, दो बार लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद करके, यानी कि ये आपस में क्या हो रही है, गुना हो रही है। क्योंकि जब भी ब्रैकेट लगे हुए हो और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या आपस में गुना हो रही है। तो अब आप इन्हें गुना करेंगे, तो पहले ए को गुना करते हैं ए से, तो क्या आया, ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए को बी से गुना किया तो ए बी, अगली बार फिर अब बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी, फिर बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी हमारे पास कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इस सर्वसमिका का क्या बन जाता है, मान बन जाता है, यानी कि ये हमारा सही होगा उत्तर। ठीक है, अब इस सर्वसमिका पर आधारित हमारे पास यहाँ पे दो प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है x प्लस वाई और उसका वर्ग। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस प्रश्न में a की जगह तो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, और b की जगह क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। तो जैसे आप ए स्क्वायर करते थे, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस अब किसका, वाई का स्क्वायर, और ये 2xy। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, 3a प्लस बी और इसका वर्ग। तो इसमें आप पहले 3a का वर्ग करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 2a, देखो अब यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 3a, और फिर उसके बाद b, और फिर उसके बाद में आप b का यहाँ पे वर्ग करेंगे और इसको हल करेंगे। 3 का वर्ग यानी कि 3 को 2 बार गुना करना है, तो 3 को 2 बार गुना कैसे करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 3 9। ठीक है, और a ये भी 2 बार है तो इसके ऊपर 2 लगा दिया, प्लस अब इनको आपस में गुना करते हैं तो 2 को 3 से गुना किया, 2 3 6, अब a और b दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए बी, ठीक है, 6 ab, और प्लस में क्या, बी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर सर्वसमिका 1 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं सर्वसमिका नंबर 2। तो बच्चों सर्वसमिका 2 और 1, इसमें इतना अंतर है कि वहाँ पर पहले तो प्लस लगा हुआ था और यहाँ पर क्या है, इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब बच्चों माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है तो इसका मान हो जाता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आपको पूरा हल करना है। ठीक है, देखो भाई आप क्या करेंगे, इसका मतलब ए माइनस बी को ए माइनस बी से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो जब आप गुना करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आपको यहाँ से देखो ए को ए से गुना किया, कितना आया, ए स्क्वायर। ठीक है, फिर ए को किससे गुना किया, बी से, और यहाँ पर चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो क्या आया, ए बी। अगली बार फिर b को गुना किया a से, और वो भी चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, फिर b को b से गुना किया, माइनस माइनस हो गए हैं प्लस, और फिर b को b से गुना किया तो कितना हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए भी 2 बार है तो हम लिखेंगे माइनस 2ab, प्लस में अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे सर्वसमिका नंबर 2 हो गई। अब इसी के आधार पर देखो, यहाँ पे x माइनस वाई जो है इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे a था, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बी स्क्वायर, तो ऐसे ही आप कर देंगे वाई स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे जो दूसरा है इसका ये देख लेते हैं, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, 3a का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस 2
ए बी में जैसे ए की जगह यहाँ पर तीन लिखा हुआ है और बी की जगह तो भाई बी ही लिखा हुआ है, और प्लस में फिर बी का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करते हैं तो तीन ए का स्क्वायर हो जाएगा 9a² माइनस 2 3 6 और ये ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा 20² ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं तीसरी सर्वसमीका। तीसरी सर्वसमीका में क्या हो रहा है, a² माइनस 20² ठीक है। तो जब भी a² माइनस 20² होता है तो बच्चों इसका मान ऐसे होता है कि जो भी आपके पास है, जैसे यहाँ a और ये b है, तो एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो। देखो एक बार प्लस किया तो a प्लस b और माइनस किया तो a माइनस b, ये इसका याद रखने का तरीका है, ये इसका सूत्र होता है a² माइनस 20² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अब देखो सही है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास a² माइनस 20² है, तो पहले a को a से गुना किया a² आया, फिर a को b से किया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस ए बी, फिर b को a से किया तो प्लस ए बी, और फिर b को b से किया माइनस 20², ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो क्या बचा हमारे पास a² माइनस 20². ठीक है, ऐसे ही अब देखो t² माइनस s² है, तो एक बार आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे और अगली बार प्लस कर दोगे। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अब ये अगला प्रश्न है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। 96 × 104 96 है ना बेटा, 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है जी, वेरी गुड। ऐसे ही 104 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, वो प्लस 4 हो गया जी। ठीक है, अब ये तो यही फॉर्मूला बन गया ना, देखो एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे a² माइनस 20², यानी कि हम 100 का स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद माइनस करके 4 का स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर किया तो 2 जीरो होती हैं, तो वर्ग करने पर 4 जीरो आ जाएंगी, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आप 10,000 में से 16 को घटा दीजिए, ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 1 गए 8, फिर इस 9 में से अब कुछ नहीं बचा तो 9 एज इट इज़, और यहाँ पे भी 9, तो 99 हमारे पास उत्तर आ जाता है। समझ में आ गया, तीसरी सर्वसमीका भी क्लियर, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं चौथी सर्वसमीका। इसमें हमारे पास x प्लस a, और यहाँ पर बच्चों चिन्ह लगाना भूल गई है गवर्नमेंट, आप लगा लेना, x प्लस b ही है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान होता है x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, मतलब ये जो दो अंक यहाँ पे दिए होते हैं ना a और b, एक बार यहाँ पे इनको जोड़ देंगे और यहाँ पे गुना कर देंगे। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे बैठा, चलो करके देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ किस किस का, x प्लस ए का और ये किसके साथ, x प्लस बी के साथ। बच्चों x को पहले x से गुना करो, क्या आया x², फिर x को b से गुना करा, क्या आया bx, अब a को गुना किया x से तो ax आया, प्लस फिर a को गुना किया b से तो कितना आया ab। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x², अब bx और ax में क्या कॉमन है, दोनों के अंदर क्या चीज़ उभयनिष्ठ है, x बाहर ले लिया तो क्या बचा b प्लस a, ठीक है, और अंदर यहाँ पे क्या बचा a b, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया है। आप b प्लस a लिखो यहाँ पे या a प्लस b लिखो, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि भैया 2 और 3 भी 5 होते हैं, और अगर उल्टा कर दो तो 3 और 2 भी 5 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं, इस पर जो आधारित है, 104 × 103। देखो 104, 100 में क्या जोड़ा 4, वेरी गुड, और 103 यानी कि 100 में 3 जोड़ा। अब इसको हल अगर आप करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे हल करके दिखा देती हूँ भाई। पहला तो है 100 + 4 और फिर उसके बाद कितना है 100 + 3, आपका फॉर्मूला है यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, ठीक है, जिसका मान आपके पास किसके बराबर होता है, x² प्लस x कॉमन लिया a प्लस बी और फिर उसके बाद ए बी, मान रख दो x की जगह क्या हो जाएगा 100 और उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 100, a की जगह 4, b की जगह 3, ठीक है, फिर ab का मतलब 4 और 3 का गुणनफल, तो 100 का वर्ग कर दो तो कितना हो गया जी 10,000, 4 और 3 7 हो गए, 7 को 100 से गुना कर दिया और फिर 4 × 3 = 12 सबको जोड़ दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास जोड़ने के बाद 10,712, ये आपका उत्तर होगा। समझ में आ गया बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे x² है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 6,
अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखो आप कैसे करोगे, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस छः है, ठीक है। छः का मतलब ए बी हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ए बी, ए बी की जगह क्या लिखा हुआ है, छः लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न में देखोगे तो बी की जगह क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है। तो भैया आपके पास बी का मान पता है, तो आप बी का मान रख दो, तो दो ए बराबर हो जाएगा छः के। तो ए बराबर किसके होगा, तीन के। तो यहाँ पे तो तीन आएगा, यहाँ एक्स आएगा और ये आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सर्वसमीकरण नंबर पाँच है, इसमें ए प्लस बी को हमने तीन बार गुना किया है, तीन बार गुना किया है, तो इस पर घात बी हमारे पास कितनी आई है, तीन। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी का घन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ए प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम इसको तीन बार गुना करते हैं, तो जब आप तीन बार गुना करोगे, आपस में गुना करोगे, तो आपके पास ये मान आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर आधारित ये प्रश्न देख लो, 101 का क्यूब है, ठीक है। तो 101 का क्यूब आप 101 को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, 100 + 1 और फिर उसका क्यूब, ठीक है। ए क्यूब, ए क्यूब की जगह लिखा हुआ है आपने 100 क्यूब, प्लस 3, 3 की जगह 3 है, फिर ए। तो इस ए की जगह अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, ए की जगह तो हम 100 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने ए की जगह 100 लिया है, तो यहाँ पर लिख दिया 100, ठीक है। और इनटू, इनटू क्या, बी, और बी कितना है, 1 है, ठीक है। फिर 100 + 1 और फिर बी क्यूब। अब हमें इसको हल करना है, 100 का क्यूब कितना होता है भाई, 100 के क्यूब में तो आपकी ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, कितनी हो गई, 6 जीरो हो जाएंगी। फिर 3 को 100 से गुना कर देना है, कितना आएगा, 300, और 100 और 1 कितना हो गया, 101। 101 को आप 3 से गुना करो और साथ में 0 0 और लगा दो, तो ये आपके पास आएगा इतना, ठीक है भाई। इसको हल किया है मैंने, ये वाली जो टर्म है ना, इसको हल किया है। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो देखो मैं यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ, ये ऐसे किया है, देखो 3 × 100 है ना, और फिर उसके बाद कितना है, 100 + 1 है, तो 3 × 100 तो 300 हो गया, और 100 और 1 कितना हो गया, 101। अब आप इनको आपस में गुना करोगे तो 2 जीरो लगाओगे, फिर 3 × 1 = 3, 0, फिर 3 × 1 = 3, इतना आया, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पे भी कितना लिखा है, 30 300 ही लिखा है, और फिर प्लस में लास्ट में क्या कर देना, 1। अब इन सबको आपस में जोड़ दो, तो ये आपके पास होगा 1 0 3 0 3 0 1, ये आपके पास यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर है 125 और एक्स क्यूब, ठीक है, 125 x³। तो बच्चों आप अंदाज़ा लगा लो इसी से ही, क्या देखो कैसे अंदाज़ा लगाओगे, आपके पास है ये 125 x³ और ये क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि ये क्यूब हो रहा है ना, किसका होगा भाई, 5 की घात 3 रख के देखो, और x³, ठीक है। तो 5 की घात 3, यानी कि 5 को 3 बार गुना करो, 5 5 25 25 5 125। तो सिंपल सा मतलब है कि भैया यहाँ तो ए की जगह तो 5x है, प्लस अब बी की जगह वो ढूंढो, तो भाई ये लिख रखा 3y, तो लो जी ये हो गया 3y, तो 5x प्लस में 3y, और इसका अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर 3, इस जगह क्या आएगा भैया, इस जगह एक तो ए का मान आएगा, इस वाले पहले वाले खाली जगह पे तो 5x आएगा, ठीक है, और दूसरी वाली खाली जगह पे 3y आएगा, ये आपका यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है छठी सर्वसमीका, a माइनस बी का होल क्यूब, सेम है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो माइनस कर देने से यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाते हैं, माइनस के चिन्ह आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब जैसे देखो 99 है ना, तो 99 यानी कि 100 - 1 का क्यूब है, तो ये 100 का क्यूब माइनस 3 × ए, ए की जगह कौन है, 100, ठीक है, ये लिख दिया 100। फिर यहाँ पे बी, बी की जगह 1, ठीक है। अब इसको हल करो, चलो करो करो हल करो जल्दी करो, 100 की क्यूब, चलो अब हम लिखते हैं 100 की क्यूब करनी है जी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस में 3 × 100 यानी कि 300, और फिर उसको किससे गुना करना है, 100 - 1 यानी कि 99 से, तो 99 × 300 कर दो, तो 2 जीरो आ जाएंगी, 3 × 27 हासिल 2, 3 × 27 + 2 = 29 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, और फिर उसके बाद माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1 को भी माइनस करना है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, फिर यहाँ पे कितने बचे, 9 9 में से 0 गए तो
नौ ही बचे, फिर यहाँ पे दोबारा नौ बचे, नौ में से सात गए तो दो, नौ में से नौ गए तो ज़ीरो, फिर इस नौ में से दो गए तो सात, और फिर बचे नौ, तो इतना आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसको भी देखो, हम सोचेंगे कि आसानी से कैसे कर सकते हैं। सूत्र के अनुसार देखो भाई, यहाँ क्या है, ए क्यूब। ठीक है, मैं लो पेन चेंज कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। यहाँ क्या है, चौंसठ ए क्यूब। तो चौंसठ, चौंसठ कैसे मिलेगा भाई, जब हम चार को तीन बार गुना करेंगे तो चौंसठ मिलेगा, और ऐसे ही ए क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पर हम पहली संख्या तो चार ए हो गई, फिर माइनस इस वाली खाली जगह के अंदर क्या आएगा, चार ए, और इस वाली के अंदर, इस वाले के अंदर देखो बी ये रहा, बी ये रहा, बी की जगह क्या है, दो बी, तो यहाँ पे हो जाएगा चार ए माइनस दो बी और इसका होल क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं सातवीं सर्वसमिका। सातवीं सर्वसमिका में x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग कर रखा है, और बच्चों इसका सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो जेड एक्स। अगर आपस में आप इसको, इनको जैसे गुना करोगे ना, किस किस को, x प्लस वाई प्लस जेड को, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड को अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड से गुना करोगे, पहले x को गुना करोगे, फिर y को गुना करोगे इस पूरी टर्म से, फिर z से गुना करोगे इस पूरी टर्म से, तो फाइनली आपके पास यही उत्तर आएगा जो इस सूत्र का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आधार पे ये प्रश्न है। तो देखो यहाँ x है तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पे a है तो हम a का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर y का स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह है 2b, तो हम 4b स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, z स्क्वायर, तो z की जगह 3, 3 का वर्ग किया 9, c स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 2xy, तो 2x की जगह a और y की जगह क्या है, y की जगह है 2b। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम 2y की जगह है 2b और z की जगह है 3c, और फिर उसके बाद 2 आपके पास z की जगह 3c और इसकी जगह है a। ठीक है, आप ऐसे रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो जब आप इसको हल करेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ बाकी का, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग यानी कि 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब आप इनको आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दुनी 4 और a b हो जाएगा। ठीक है, अगली बार आप सेकंड वाले टर्म को करेंगे, ये देखिए ये वाली जो आपके पास सेकंड टर्म है ना, इसको अगली बार करेंगे, और फिर तीसरी बार में इसको करेंगे। तो जब आप सेकंड टर्म को करेंगे तो वहाँ पे 2 दुनी 4, 4 तिया 12 बी सी, और अगली बार 2 तिया 6 सी ए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आठवीं है, आठवीं जो आपकी सर्वसमिका है बच्चों, इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, और फिर माइनस में 3xyz है। ठीक है, और इसका ये मान होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड पहले, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है ये 2a, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप यहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे होगा ये आपके पास, हाँ जी, 2a क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे प्लस में b का क्यूब। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास होगा ये 4 और फिर c, और फिर उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये संख्या है, अब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये कंप्लीट इसका है और ये ऐसे कंप्लीट का है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये 2a प्लस b प्लस में 4c हो जाएगा। ठीक है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, अब बाकी की संख्याएं करोगे तो उसके अनुसार एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, फिर उसके बाद में b का स्क्वायर, फिर 4c का स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स वाई, एक्स वाई यानी कि 2a को b से गुना किया, माइनस वाई जेड, वाई जेड में अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी को गुना करेंगे किससे, 4c से, और साथ साथ में 2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इस प्रश्न में ये जो संख्या है किस में है, ये सारी की सारी संख्या आपके पास किस में है, प्लस में है। ठीक है,
और अगली बार माइनस कर देंगे आप यहाँ पे 2 4 सी को 2 ए से, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो भैया 2 ए प्लस बी प्लस 4 सी ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 8 बी सी, और फिर उसके बाद लास्ट में है ये आपके पास 4 दुनी 8 दुनी 16 सी ए, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बहुपद के शून्यक का। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है जिसमें हम किसी भी संख्या को एक्स की के रूप में प्रदर्शित कर पाएँ और जिसमें एक्स की कोई ना कोई घात हो। एक घात भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, ठीक है। और उसको हम प्रदर्शित करते हैं पी एक्स से। पी का मतलब होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हम किसको, बहुपद को, ठीक है। तो पी एक्स यानी कि एक्स चर के अंदर बहुपद है ये। अगर इसका मान 0 हो जाता है कि कभी भी, ठीक है, तो जब भी 0 होगा तो उसमें हम चेक करेंगे कि एक्स का क्या मान है। तो एक्स का जो भी मान होगा ना वो आपके बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपके पास उदाहरण है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। अब आप एक काम करो, इसको 0 करके देखो। तो एक्स प्लस 5 को अगर आपने 0 किया तो आपके पास एक्स का मान कितना आएगा, माइनस 5। यानी कि एक्स का मान अगर मैं माइनस 5 रख दूँ, ठीक है, माइनस 5 रख दूँ, तो माइनस 5 रखने से क्या हो जाता है, इसका मान किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे शून्य क्या है, माइनस 5 है, ठीक है, समझ में आ गया शून्य। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न है जिसमें हमें सही शून्य पर घेरा लगाना है। जैसे पहला प्रश्न, ए प्लस 4/7। तो बच्चों ए प्लस 4/7 अगर ये बहुपद है और तो इसके शून्य के लिए इसका मान 0 होना चाहिए। तो ए का मान क्या होगा, 4/7 जो है वो दाई तरफ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है वहाँ जाके माइनस, यानी कि ये इसका शून्यक होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है वाई माइनस 3/2। तो बच्चों अब हम वाई माइनस 3/2 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो आपके पास फिर वाई का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 के, क्योंकि माइनस वाली संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, तो ये इसका शून्यक हो गया। ऐसे ही तीसरे प्रश्न में 5a + 6 हम रखेंगे 0, तो यहाँ से 5a का मान हमारे पास आएगा -6 और a का मान हमारे पास आएगा -6/5, तो ये हमारा शून्यक होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, जिसमें से हम पहला प्रश्न ट्राई करते हैं y+1/2। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका मान 0 होना चाहिए, तो फिर y का मान क्या हो जाएगा, 1/2 दूसरी तरफ जाएगा और प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये इसका शून्यक हो गया। इसी तरीके से 2x+3 जो है ये बराबर 0 है, ठीक है, तो यहाँ से 2x का मान कितना हो गया, -3 के बराबर हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, -3/2। जो संख्या ऊपर होती है तो पक्षांतरण के बाद वो नीचे चली जाती है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न जिसमें क्या है पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स को 0 के बराबर रख दो बच्चों, तो एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, पाई के, तो ये आपका शून्यक हो गया। ऐसे ही चौथा जो प्रश्न है उसमें 5/2 - x है, ठीक है, तो 5/2 - x बराबर 0 कर दोगे तो आपके पास 5/2 किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।